दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिल्मोरा वीडियो एडिटर को लेकर। इसके अंदर आपको जो एक्सपोर्टिंग वाली सेटिंग होती है वो क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या रखनी चाहिए, जिससे जो हमारी वीडियो की क्वालिटी होती है काफ़ी अच्छी आने लगती है, या हम चाहते हैं कि हम जो भी अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करें उसको फुल HD में करें या 4K रेजोल्यूशन के साथ एक्सपोर्ट करें, तो इसके लिए हमें क्या सेटिंग रखनी चाहिए फिल्मोरा वीडियो एडिटर के अंदर। काफ़ी लोग वीडियो बनाने के शौकीन है, जैसे इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप रील्स बनाते हैं, या आप यूट्यूब के लिए भी वीडियो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्वालिटी बहुत ही ज़रूरतमंद होती है। तो आज मैं आपको ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिससे आप फुल HD में एंड 4K रेजोल्यूशन के साथ वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फिल्मोरा वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लिया है और मैंने अपनी वीडियो को भी एडिट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट करके दिखाने वाला हूँ कि आपको क्या क्या सेटिंग करनी चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको वीडियो एडिटिंग करना भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं आपको यहाँ पर वीडियो एडिटिंग करना भी सिखा दूंगा आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, अब हम चलते हैं। अभी मैंने आपसे बात की थी कि हमें यहाँ पर आपको एक्सपोर्टिंग सेटिंग के बारे में बताना है कि आपको क्या क्या सेटिंग रखनी चाहिए। तो उसके लिए आप देखेंगे मैंने वीडियो एडिटिंग कर लिया है, कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये जो फॉर्मेट है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं ये बहुत सारे ऑप्शन भी आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मेट सेलेक्ट करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों उससे पहले आप यहाँ पर समझ लें, कुछ लोग गलतियाँ क्या करते हैं, जैसे वीडियो एक्सपोर्ट करते टाइम यहाँ से ही डायरेक्ट यूट्यूब पर पब्लिक कर देते हैं, मतलब अपलोड कर देते हैं। तो भाई आपको यहाँ से कोई भी वीडियो डायरेक्टली यूट्यूब पर अपलोड नहीं करनी है, पहले आप यहाँ से वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे उसके बाद आपको वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करनी चाहिए। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो इससे आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो काफ़ी गिर जाती है, ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करनी है। अभी हम यहाँ पर सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है MP4। जब हम MP4 सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर भाई देखेंगे यहाँ पर नेम, तो आप जो वीडियो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस वीडियो का जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर दे दिया फिल्मोरा वॉइस। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपकी वीडियो कहाँ पर सेव होगी वो यहाँ पर शो करने लगेगा। आप यहाँ से चाहेंगे तो फोल्डर को भी चेंज कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे देखेंगे भाई, अभी यहाँ पे देखेंगे हमारा जो रेजोल्यूशन है वो कितना है, साथ साथ जो वीडियो का साइज है वो आप देखेंगे 55 MB का साइज है। यहाँ पर आप आएंगे सेटिंग वाले ऑप्शन पर, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी सेटिंग है वो ओपन हो जाएंगी। अभी आप यहाँ पे देखेंगे बेस्ट, बेटर, गुड, ये आपका जो सेटिंग है वो ओपन हो चुकी है। अभी आपको यहाँ पे करना क्या क्या है, सबसे पहले भाई आपको यहाँ पे आना होगा रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर 1920 और 1080 वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करना होगा रेजोल्यूशन। फिर आपको यहाँ पर फ्रेम रेट क्या रखनी है, तो यहाँ पर आपको फ्रेम रेट यहाँ पर 50 रखनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आएगा विट रेट, तो भाई आपको विट रेट क्या रखना है, यहाँ पर विट रेट आपको 8000 रखना है या 10000 रखना है, तो यहाँ पर मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि आप 8000 ही यहाँ पर रखें। उसके बाद ऑडियो रिकॉर्डर आपको क्या क्या करना है, यहाँ पर ACC है तो AAC ही आपको यहाँ पे रखना होगा। यहाँ पर है चैनल नंबर 2, तो यहाँ पर आपको चैनल 2 ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल रेट, तो यहाँ इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 48000 सिंपल रेट कर देना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देंगे विट रेट 256 KPPS है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इसको भी इंक्रीज कर देना होगा, 320 कर देना होगा। फिर आपको यहाँ पर देखेंगे 3 ऑप्शन है, बेस्ट, बेटर, गुड, तो यहाँ पर आपको बेस्ट पे क्लिक कर देना होगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक आपकी KPPS रेट बढ़ जाएगी और वो आपकी 10000 हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना होगा। तो अभी आप दोस्तों देख सकते हैं जो हमारी वीडियो का साइज है वो कितना हो गया है। इस प्रकार आप फुल HD में आप वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिर आपको यहां से वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना होगा। अभी आप देख सकते हैं हमारी जो वीडियो है वो क्रिएट होने लगी है और एक्सपोर्ट होने लगी है। थोड़ा सा आपको यहां पे वेट करना होगा और आपकी वीडियो एक्सपोर्ट भी हो जाएगी। तो गाइस आशा करता हूं कि आप लोगों को
ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे एक रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उस पर टच करो और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के कंटेंट आपको हमेशा से मिलते रहते हैं।